बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा मंगलवार को बक्सर पहुंचे। बक्सर में उन्होंने विभिन्न मंदिरों में दर्शन किया तथा यह कहा कि वह सांस्कृतिक विरासत को बचाने के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि आज वह बाल संसद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं, जिसके बाद वह सांस्कृतिक विरासतों का दर्शन भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आध्यात्म के साथ बक्सर ऐतिहासिक भूमि रहा है, इसे तपोभूमि भी कहा जाता रहा है। वक्त विकास की ओर कदम बढ़ा रहा है, जिस प्रकार से अयोध्या और काशी से लेकर तमाम धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों का विकास हो रहा है, वैसे ही बक्सर में भी विकास की धारा बहे इसकी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सृष्टि ही भक्ति, भक्ति ही सेवा तथा सेवा ही मुक्ति है। यह भाव यदि मन के अंदर आ जाए तो विकास रुक नहीं सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सत्य सनातन के रूप में भगवान श्री राम और हनुमान की प्रामाणिकता है। ऐसे में जो लोग यह प्रमाण मांग रहे हैं कि भगवान श्री राम और हनुमान का प्रमाण दिया जाए, उन्हें यह जानने की आवश्यकता है कि रामायण और गीता सबका स्थान संविधान में दिया हुआ है। ऐसे में संविधान को झुठलाया नहीं जा सकता। जो संविधान को मानता है उसे भगवान की प्रामाणिकता भी माननी होगी। उन्होंने विभिन्न मंदिरों में दर्शन किया, उनके साथ भाजपा के तमाम नेता मौजूद थे। सभी ने उनके साथ रहते हुए उन्हें बक्सर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के बारे में जानकारी दी। बता दें कि विजय नारायण सिन्हा बाल युवा संसद में भाग लेंगे, तत्पश्चात वह चौसा भी जाएंगे, जहां वह ऐतिहासिक शेर शाह सूरी और हुमायूं के लड़ाई के मैदान को भी देखेंगे। तत्पश्चात वो बक्सर में आएंगे, बक्सर में उनका अधिकारियों के साथ बैठक का भी कार्यक्रम है। आज उनके कार्यक्रम में उनके साथ साथ सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी दीप चंद्र जोशी, नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी प्रेम स्वरूपम समेत तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान के तहत बाल युवा सांसद का कार्यक्रम को लेकर के बक्सर आए हैं और सांस्कृतिक विरासत दर्शन। हमारा बिहार का जो गौरव गाथा को जानने का भी और हमारे आने वाले पीढ़ी को अपने अध्यात्म और अपने विरासत पर गर्व महसूस हो, इसके लिए भी हम लोग अपने बच्चों के बीच बाल सांसद के माध्यम से सारे विषय को रखते हैं। कि अध्यात्म के साथ साथ बहुत ही ऐतिहासिक रहा है और हमारे रामायण में इसकी विशेष रूप से चर्चा है। विश्वामित्र की धरती रही है, तारकासुर वध, कई तरह के यहाँ पर ऐतिहासिक पौराणिक कथाएँ जुड़ी हुई है और बक्सर तपोभूमि रहा है। निश्चित रूप से धरती पर आकर के गर्व महसूस हो रहा है। सर, जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है काशी का, उसके बाद यहाँ भगवान राम की शिक्षा हासिल रही है, उस प्रकार से यह डेवलपमेंट से अभी दूर, बहुत दूर है, क्या कहेंगे सर? वक्त विकास की ओर कदम बढ़ाता है और जो धरती जब जग जाती है तो निश्चित तौर पर उसका विकास दिखाई पड़ने लगता है। आज अयोध्या हो या काशी, मथुरा से लेकर के आज बिहार की धरती में देखें कि पहले की अपेक्षा बेहतर जो रुझान और झुकाव बढ़ा है और लोगों को ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति, प्रकृति जो सृष्टि है, सृष्टि ही भक्ति है, भक्ति ही सेवा है, सेवा ही मुक्ति है, और ये भाव जब मन के अंदर आ जाएगा तो उस विकास को हर लोग अपने को गर्व महसूस करेगा। सर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हनुमान जी को लेकर राम जी को लेकर लगातार बयान कर रहे हैं, देखिए सत्य सनातन के संदर्भ में हमको आपको किसी को प्रमाणिकता की जरूरत नहीं है। हमने रामायण के अंदर, हमारे महापुरुषों ने रामायण के महाभारत गीता इस सारे विषय को संविधान के अंदर स्थान दिया है और संविधान में जो स्थान मिला है और संविधान को जब हम स्वीकार करते हैं तो उसके बारे में बहस करने की कहीं कोई जगह नहीं। दो समान दोरुवादितं दोरुवायं वायं दोरुवामः देवानाम अधिवहनितम पुंसस्त्रीतमं पवित्रतमं जुष्टातमं देवहूतमं मा ओं ब्रह्मणस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरु।
भगवान की चार पानी सुब्रभान श्रीनिवास सुब्रभान वही सुब्रभान कोई सुब्रभान बोलकर ना विश्वामित्र जी बोलकर का राम भगवान का सुब्रभान बगला दो लाइन बोलकर इसके बाद सुब्रभान बोलकर जो अद कितना विशेष स्थान है सिद्धार्थ सर धन्यवाद।